बड़ी खबर की ओर सबसे पहले आप तक रूबरू करवाएंगे। जयपुर हेरिटेज निगम में अतिरिक्त आयुक्त से दुर्व्यवहार मामले में नोटिस भेजा गया है। मुनेश गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित महापौर मुनेश गुर्जर को नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर 3 दिन में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। विभाग ने 2 आरोप मुनेश गुर्जर पर लगा दिए। पहला आरोप 500 बीट की आपूर्ति संबंधी पत्रावली को लंबित रखने का है। विभाग का कहना है कि इस पत्रावली को मुनेश गुर्जर ने तलब कर बेवजह अपने पास लंबित रखा। इसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसे में मुनेश गुर्जर की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। विभाग ने दूसरा आरोप जो लगाया उसमें कहा गया कि अतिरिक्त आयुक्त को घेर कर महापौर के चैंबर में लाया गया। वहां पार्षदों ने उन्हें अभद्र शब्द बोले। इसका वीडियो क्लिपिंग भी है जिसे ये पता चलता है कि ऐसा करने से पार्षदों को मुनेश गुर्जर ने नहीं रोका। विभाग का मानना है कि मेयर की सहमति से लोक सेवा के कार्य में व्यवधान डाला और आतंकित किया गया। यह आचरण न केवल गरिमा के विरुद्ध है बल्कि अशोभनीय भी है। जयपुर हेरिटेज निगम में अतिरिक्त आयुक्त से दुर्व्यवहार मामले में नोटिस भेजा गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित महापौर मुनेश गुर्जर को नोटिस भेजा। 3 दिन में स्पष्टीकरण भी मांगा है। अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी उनका रुख करेंगे। अभिषेक, साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि जहां एक तरफ सुनवाई होनी है निलंबन याचिका को लेकर जो कि उनकी तरफ से दाखिल की गई है मुनेश गुर्जर की तरफ से, और अब ये नया मसला सामने आ गया यानी कि दिक्कतों से घिरी नजर आ रही है मुनेश गुर्जर। पूरी डिटेल दीजिएगा। देखिए, अतिरिक्त आयुक्त जो थे जयपुर हेरिटेज, जो पहले अतिरिक्त आयुक्त तैनात थे, उन्होंने काफी पहले जो है स्वायत्त शासन विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी और उन्होंने थाने में FIR भी दर्ज कराई थी। तो पुलिस पर जो विभाग में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई उसके उस पर अब जाकर विभाग ने एक्शन लेते हुए मुनेश गुर्जर के को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। उनमें उसमें प्रमुख तौर पे 2 आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप ये लगाया गया है कि आपने जो 500 बीट्स होती है, आप 500 बीट्स का मतलब जो अस्थायी तौर पे सफाई कर्मचारी वार्डों में सफाई के लिए लगाए जाते हैं, तो 500 बीट की जो आपूर्ति की जो फाइल थी उसको जानबूझकर रोका गया। तो उसको लेकर विभाग का आरोप है कि आपके रोकने से जो है बेवजह विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और उस फाइल पे जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया। दूसरा आरोप ये लगाया गया जिसमें विभाग ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वीडियो क्लिपिंग एक है, उस वीडियो क्लिपिंग को देखने से पता चलता है कि जो है अतिरिक्त आयुक्त को महापौर के चैंबर में बुलाकर बाकायदा उनको उनसे उनको अभद्र शब्द बोले गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और महापौर जो है ये सब देखती रही। उन्होंने किसी पार्षद को ये ऐसा करने से रोका नहीं और ना ही कोई रोकने का प्रयास किया। तो इस पूरे मामले को जो है विभाग का ये कहना है कि ये गरिमा के विपरीत है और अशोभनीय है, तो इसलिए आप उन्होंने ये नोटिस देकर 3 दिन में जवाब तलब किया है और ये कहा है कि अगर 3 दिन में जवाब तलब नहीं करते हैं तो नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो धारा 39 जो है उसमें न्यायिक जांच का प्रावधान है और न्यायिक जांच अगर होती है, न्यायिक जांच में अगर इनको मामले में दोषी पाया जाता है तो बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक हम तो जो दूसरा मामला देखें जो कि पिछले दिनों हुआ था जिसमें ACB ने जो है ACB का जो आरोप था, ACB ने जो इनके पति हैं सुशील गुर्जर उनको ट्रैप किया था, तो उस मामले में भी इनको स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि आपके पति जो है इस तरह से ACB में ट्रैप किए गए थे और फाइल पट्टों की फाइल आपके घर पर थी। इन मामलों में भी उनसे जवाब तलब किया गया है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि विभाग ने एक साथ 2 मामलों में नोटिस देकर इनसे स्पष्टीकरण मांगा है और 3 दिन में जवाब देने को कहा है। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए तो अब जो न्यायिक जांच की आप बात कह रहे हैं अभिषेक, क्या प्रोसेस रहने वाला है आगे? क्योंकि मुनेश गुर्जर ने हालांकि जो याचिका दाखिल की है उसमें राज्य सरकार की तरफ से केविट दाखिल हो गई, वो एक अलग मसला जिसकी सुनवाई होनी है। अब इस मसले में जिसमें 3 दिन वक्त मिला है, क्या प्रोसेस रहेगी? इससे जो तरीका जो प्रक्रिया रहती है उसमें इनको कहा गया है कि 3 दिन में आप जवाब दें नहीं तो आपके खिलाफ धारा 39 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी है कि अगर इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो भी धारा 39 के तहत विभाग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो उसमें न्यायिक जांच का जो तरीका होता है उसमें स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जो आरोप पत्र इनको दिया जाएगा, जो या दिया जाता है वो आरोप पत्र वहाँ विधि विभाग में भेजा जाता है। विधि विभाग की ओर से एक अधिकारी, जो विधि अधिकारी है वो तैनात होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं और विधि अधिकारी जो है
मुनेश गुजर को भी सुनेंगे और राज्य सरकार को भी सुनेंगे, दोनों को सुनकर सबूत और दस्तावेजों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। अगर इस जांच में, न्यायिक जांच में मुनेश गुजर अगर दोषी पाई जाती है तो सरकार को उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया अभिषेक।